हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू टीम कार डिलाइट। सो ये है होंडा अमेज का टॉप एंड फुल लोडेड वी एक्सट्रीम एंड अब आपको यहाँ पे 10 इयर्स की वारंटी मिल जाती है, नॉट ओनली ऑन अमेज बट ऑन ऑल होंडा कार्स। यस, 10 इयर्स की वारंटी। सो बेसिकली स्टैंडर्ड वारंटी यहाँ पे 3 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स की, जिसको हम 5 इयर्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं एंड 5 इयर्स के बाद आप हर एक ईयर में यहाँ पे एक्सटेंडेड वारंटी परचेज कर सकते हैं। फर्स्टली गाइज, यहाँ पे आपकी जो कार है वो 120,000 किलोमीटर से ऊपर नहीं चली होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पे एक्सटेंडेड वारंटी का ऑप्शन मिल जाएगा 6th year, 7th, 8th, 9th and 10th year का हर एक कार पे 120,000 किलोमीटर से अगर आपके ऊपर चली नहीं हुई है, यानी कि उसके अंडर चली हुई है। सो आपको हर साल की यहाँ पे एक्सटेंडेड वारंटी मिलेगी 1 year की एंड 20,000 किलोमीटर की। तो 6th year, 7th year ऐसे आप ले सकते हैं 1 year एंड 20,000 किलोमीटर्स की वारंटी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ऑल्सो 5th year, 6th year जैसे जैसे आपकी ईयर इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे वारंटी का जो प्राइस है, एक्सटेंडेड वारंटी का प्राइस, वो इंक्रीज होता जाएगा। सो इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, आपको हर एक होंडा कार पे अब आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड बात करते हैं होंडा अमेज के बारे में, तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड 3 years अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी मिल जाती है। एंड गाइज, होंडा की जितनी भी कार्स हैं उन सबकी प्राइस लिस्ट आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। सो दिस इज़ द प्राइस रेंज एंड बेसिकली अमेज के प्राइस में, यस, आपको होंडा जैज के भी कुछ मॉडल मिल जाते हैं, WRV भी मिल जाती है एंड टॉप एंड देखेंगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेंड करने के बाद आपको होंडा सिटी भी मिल जाती है बेस्ट ट्रिप। सो यू कैन सी द कम्प्लीट चार्ट ऑन योर स्क्रीन एंड दिस इज़ टॉप एंड वी एक्सट्रीम। सो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इंजन ऑप्शन भी मिल जाते हैं। सो पहले बोनेट को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पे 1.5 liter डीजल इंजन अवेलेबल है विच इज़ 4 cylinder एंड यहाँ पे मैनुअल गियरबॉक्स एंड CVT गियरबॉक्स दोनों ही ऑफर करा जा रहा है। एंड यहाँ पे आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन में मिलेगा विच इज़ नेचुरली एस्पिरेटेड 4 cylinder और यहाँ पे भी आपको मैनुअल गियरबॉक्स एंड CVT गियरबॉक्स ऑफर करा जा रहा है। एंड इस टॉप एंड ट्रिम में आपको यहाँ पे डीजल मैनुअल, डीजल CVT, पेट्रोल मैनुअल एंड पेट्रोल CVT सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। एंड दिस इज़ द इंजन भी आप देख सकते हैं, बहुत ही एम्प्टी स्पेसेस दी गई हैं, फायरवॉल पे साउंड रेडिंग मटेरियल्स का यूज़ करा गया, अंडर बॉडी आपको यहाँ पे इंजन गार्ड नहीं मिलता लेकिन साइड्स पे गार्ड अवेलेबल है। एंड जो इसका सेगमेंट है बेसिकली आती है होंडा अमेज कॉम्पैक्ट सेडान के सेगमेंट में, डिज़ायर, टिगोर एंड हुंडई ऑरा के साथ ये राइवल करती है। और इन सब कार्स का जो एवरेज मंथली सेल कंपैरिजन चार्ट है वो भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों। सो दिस इज़ द फ्रंट लुक एंड राइट ऑफ फ्रंट यहाँ पे कुछ ऐसी आपको बिग साइज की क्रोम ग्रिल मिलती है विद क्रोम स्लैट्स एंड इट इज़ लुकिंग वेरी नाइस। दीज आर 4 LED हेडलैम्प, प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प मिलेगा, हाई बीम एंड लो बीम प्रोजेक्टर में अवेलेबल है और ये है LED पोजिशनिंग लैम्प, डे टाइम रनिंग लाइट नहीं है, पोजिशनिंग लैम्प दी गई है, बहुत ही अच्छा पैटर्न यूज़ करा गया। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प फंक्शन, फॉलो मी होम एंड लीड मी टू द व्हीकल फंक्शन भी मिल जाता है। देन दिस इज़ द LED फॉग लैम्प, यहाँ पे एयर कर्टन भी अवेलेबल है और ये है कार की साइड प्रोफाइल। और यहाँ पे जो एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी आप चेक कर सकते हैं गाइस अपनी स्क्रीन के ऊपर एंड इट इज़ लिस्टेड बाय होंडा इटसेल्फ एंड जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम है। कार काफ़ी स्टर्डी एंड काफ़ी अच्छी लुक भी ऑफर करती है। दिस कार हैज़ गॉट 4 star इन ग्लोबल NCAP टेस्ट एंड हमने इस कार की जो टेस्ट ड्राइव है वो भी हम पोस्ट कर चुके हैं, टेस्ट ड्राइव रिव्यू मैनुअल का भी एंड ऑटोमेटिक का भी, तो मेक श्योर वो भी ज़रूर चेक करें, उसमें ऑन रोड माइलेज, सस्पेंशन, ब्रेक्स वगैरह काफ़ी कुछ बात करा हुआ है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड प्रोफाइल, कार की जो हाइट है वो भी काफ़ी अच्छी मिलती है, बिग साइज़ का बोनेट भी अवेलेबल है और ये है अलॉय व्हील्स विच इज़ ऑफ 15 inches। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 175/65 R15 और ये है विंग मिरर्स विद टर्न इंडिकेटर्स एंड कुछ ऐसे यहाँ पे कीज़ अवेलेबल है एंड कीज़ आर लुकिंग अमेजिंग, वेरी नाइस, बहुत ही हाई क्वालिटी कीज़ अवेलेबल है। यहाँ पे ब्लैक डॉट बी पिलर मिलता है, क्रोम डोर हैंडल्स अवेलेबल है, स्मार्ट पैसिव कीलेस एंट्री आपको दोनों ही साइड मिल जाती है ऑन फ्रंट डोर्स, बिग साइज विंडोज, बिग साइज ग्लास एरिया एंड यहाँ पे शार्क फिन एंटीना अवेलेबल है, रियर में डिफॉगर एंड दिस इज़ द रियर लुक। सो यहाँ पे कंप्लीट LED टेल लैम्प्स मिलते हैं। अगर हम ब्रेक हिट करते हैं तो आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन ग्लो करता है ये वाला पोर्शन ग्लो करता है, बल्कि ये वाला करता तो और ज़्यादा बेटर रहता, बट दिस इज़ जस्ट अ रिफ्लेक्टर। एंड यहाँ पे VX की बैजिंग, IV टेक की बैजिंग, रियर में 4 sensors, यहाँ पे क्रोम फिनिश काफ़ी अच्छी लुक ऑफर करती है, देन लाइसेंस प्लेट की लाइट्स हेलोजन में
एंड इसकी काफ़ी सारी अमेज़ की एसेसरीज़ अवेलेबल हैं, जिसमें आपको यहाँ पे स्पॉइलर वगैरह भी मिल जाता है, तो वो सब एसेसरीज़ अगर आप इंस्टॉल करवाते हैं तो कार की जो लुक है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, बिल्कुल चेंज ही हो जाती है। सो यहाँ पे आपको फुली कवर्ड टेलगेट मिल जाता है अंदर से, विच इज़ वेरी नाइस थिंग। एंड दिस इज़ द टोटल बूट स्पेस, काफ़ी बिग साइज़ का बूट दिया गया, बहुत ही यहाँ पे बिग साइज़ की ओपनिंग मिलती है, एपिचर मिलता है, तो हैवी लगेज आप इजीली इन एंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बूट में लैम्प भी अवेलेबल है। एंड देन इसको पुल करेंगे तो ये है स्पेयर टायर, जो कि नॉर्मल स्टील व्हील मिलेगा, अलॉय नहीं दिया गया। एंड ये 14 inches का स्मॉल साइज़ का 175/70, एंड रिकमेंडेड रहता है कि स्मॉल साइज़ का जो स्पेयर टायर है वो आप अप टू 80 km/h की स्पीड तक ही यूज़ करें। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स अवेलेबल है। सस्पेंशन में यहाँ पे काफ़ी हद तक आपको बैलेंस मिलता है, काफ़ी अच्छी राइड क्वालिटी ऑफर करता है, कार काफ़ी प्लांटेड है एंड वन ऑफ द बेस्ट राइड क्वालिटी ऑफर करती है इन द सेगमेंट। एंड अदर USP की बात करें तो यहाँ पे जो स्पेस दिया गया, जो कम्फर्ट दिया गया, इट हैज़ नो मैच एट ऑल, बेस्ट इन सेगमेंट यहाँ पे स्पेस एंड कम्फर्ट अवेलेबल है। रियर एसी विंड अवेलेबल रहता तो और ज़्यादा बेटर रहता, बट ओवरऑल इट इज़ क्वाइट अ कार। ऑल्सो टॉप एंड मॉडल में जो आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स मिलते हैं इस कार में, वो आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। सो गाइज, अगर आप यहाँ पे अमेज़ की एसेसरीज चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, क्लिक करिए उस पर, यहाँ पे सारी हमने अमेज़ की एसेसरीज लिस्ट आउट करी है विच आर बेस्ट। तो ये है कंप्लीट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन, सो डायमेंशन कंपैरिजन, साथ में अमेज़ की ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm की, विच इज़ क्वाइट गुड। टर्निंग रेडियस 4.7 meters, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 35 liters, बूट स्पेस 420 liters, विच इज़ बेस्ट इन क्लास, एंड कर्व वेट 905 से लेके 1039 kg। एंड अमेज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है होंडा के टपुगरा प्लांट में, विच इज़ इन राजस्थान। यहाँ पे 5 color ऑप्शंस अवेलेबल हैं, विच इज़ ग्रे, रेड, पर्ल वाइट, सिल्वर एंड गोल्डन ब्राउन कलर। अमेज़ में डार्क कलर जो हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हैं, जैसे कि गोल्डन ब्राउन काफ़ी सेल होता है, रेड कलर काफ़ी सेल होता है, एंड एक वाइट कलर भी काफ़ी ज़्यादा सेल होता है। एंड गाइज, होंडा अमेज़ की जो टाइम लाइन एंड हिस्ट्री है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कंप्लीट डिटेल्स। एंड आज इस कार ने 2 lakh डिलीवरीज क्रॉस करी हैं, जो सेकंड जनरेशन है बेसिकली। कंप्लीट टाइमलाइन एंड हिस्ट्री जो है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, कब ये कार लॉन्च हुई, 2 lakh जो इस सेकंड जनरेशन है उसकी डिलीवरीज अभी तक हो चुकी हैं। एंड फर्दर मोर गाइज, जो ऑन रोड प्राइस है वो भी हर एक मॉडल का वो आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। एंड इसके बाद आप चेक करते हैं इंटीरियर्स, देखते हैं क्या क्या फीचर्स ये कार ऑफर कर रही है। एंड उससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ द करंट वेटिंग पीरियड, एंड जो कार पे डिस्काउंट्स भी हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, करंटली जो डिस्काउंट्स चल रहे हैं। सो काफ़ी सारे अभी डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं अमेज़ पे एंड अदर कार्स पे, सारी होंडा कार्स की जो डिस्काउंट की लिस्ट है वो आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन पर। सो दीज आर द कीज एंड आई लव दीज कीज गाइज, दे आर लुकिंग वेरी वेरी एलिगेंट। एंड पार्टी ट्रिक इज़ दैट यहाँ पे कीज आपकी पॉकेट में हैं, विसिनिटी में हैं, एंड कार लॉक्ड है, तो जस्ट आप डोर हैंडल को ऐसे होल्ड करेंगे, कार ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी। इसको आप प्रेस करेंगे, कार दोबारा लॉक हो जाएगी, एंड सेम गोज फॉर दैट साइड इज़ वेल। सो इट इज़ कॉल्ड स्मार्ट पैसिव कीलेस एंट्री, जो कि सुपर कन्वीनियंट है। तो इसको आप ऐसे प्रेस करेंगे, डोर अनलॉक हो जाएगा, दोबारा प्रेस करेंगे, डोर लॉक्ड हो जाएगा। एंड अब इसको अगर बार बार भी प्रेस करते हैं तो डोर लॉक ही होगा, इससे अनलॉक नहीं होगा रिक्वेस्ट सेंसर से। सो आप चेक कर सकते हैं, डोर लॉक सिर्फ इसी से ही होगा जब आप इसको होल्ड करेंगे। सो अब चेक करते हैं इंटीरियर्स, वी हैव गॉट इंजन पुश स्टार्ट बटन, एंड यहाँ पे वेलकम फंक्शन की, इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। सो ये है डैशबोर्ड के लुक, डुअल टोन इंटीरियर्स अवेलेबल हैं विद सिल्वर एसेंट्स, एंड डैशबोर्ड इज़ लुकिंग वेरी नाइस, बहुत ही यहाँ पे हाई क्वालिटी मटेरियल्स का यूज़ करा गया है। बेज कलर की कंप्लीट फैब्रिक सीट अपॉल्स्ट्री, बेज कलर में आपको रूफ मिलती है, ब्लैक एंड लाइट ग्रे कलर की यहाँ पे कार्पेटिंग अवेलेबल है, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट, यहाँ से हम फ्यूल लिड ओपन कर सकते हैं। देन वी हैव गॉट क्लच फुटरेस्ट, डोर सिल प्लेट, हेड लैम्प लेवलर, एंड इवन जो डोर सिल प्लेट है वो आपको रियर में भी मिल जाती है। और ये है फ्रंट डोर के लुक, सो स्पीकर, बिग साइज बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट, एंड यहाँ पे कंप्लीट फैब्रिक फिनिश, बिग साइज आर्म रेस्ट, यहाँ पे ऑटो डाउन पावर विंडो एंड ऑटो अप एज वेल,
एंटी पिंच का फंक्शन भी गाइज आपको मिल जाता है यहाँ पे। एंड फर्दर मोर ऑल फोर पावर विंडोज अवेलेबल हैं। दिस इज पावर डोर लॉक स्विच, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVM, नॉट ऑटो फोल्डिंग फंक्शन बट इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल। एंड सारे स्विचेस गाइज आपको एल्यूमिनेटेड नहीं मिलते, सिर्फ ड्राइवर साइड पावर विंडो स्विच ही आपको मिलता है एल्यूमिनेटेड। सो अदर फीचर्स चेक करते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं। सो यहाँ पे एप्पल कारप्ले हमने कनेक्ट कर रखा है, फ्रंट में आर्मरेस्ट अवेलेबल नहीं, आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। एंड यहाँ पे कुछ स्पेस, देन वी हैव गॉट दिस CVT गियर बॉक्स, रिवर्स गियर स्लॉट करेंगे। सो दिस इज़ द कैमरा व्यू, ये है वाइड एंगल व्यू, ये है नॉर्मल व्यू और ये है टॉप डाउन व्यू। सो यहाँ पे गाइडलाइंस अवेलेबल है बट दे आर नॉट अडैप्टिव। एंड यहाँ पे ट्विन कप होल्डर स्पेस, यहाँ पे कुछ और स्टोरेज एरिया आपको मिल जाता है टू कीप योर स्टफ। 12 वोल्ट पावर सॉकेट, एक 1.5 एम्पियर का USB चार्जर, एक 1 एम्पियर का USB चार्जर, इसे हमने स्मार्टफोन कनेक्ट कर रखा है फॉर एप्पल कारप्ले। और ये है फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम। सारे यहाँ पे जो नॉब्स हैं, स्विचेस हैं, दे फील सो प्रीमियम, सो नाइस। यहाँ पे जो ये वाले कंट्रोल्स हैं ये थोड़े हार्ड प्लास्टिक दिए गए हैं, बाकी सारे यहाँ पे सॉफ्ट प्लास्टिक ही मिलते हैं। यहाँ पे मैक्स कूल का ऑप्शन अवेलेबल है। एंड यहाँ पे ये है इंफोटेनमेंट सिस्टम। सो ये है डिजीपैड 2.0 विद एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ एप्पल कारप्ले। यहाँ पे आप गूगल मैप्स के थ्रू नेविगेशन यूज़ कर सकते हैं, एप्पल म्यूजिक के थ्रू आप यहाँ पे सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह आपको सब यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाती है। एंड यहाँ पे ये USB ब्लूटूथ रेडियो एंड वॉइस कमांड को भी सपोर्ट करता है। सो USB थ्रू आप वीडियो भी प्ले कर सकते हैं, इमेजेस भी व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ सेटिंग अवेलेबल है, जो टच रिस्पॉन्स है दैट इज़ क्वाइट गुड। Wi-Fi भी यहाँ पे अवेलेबल है। देन दिस इज बिग साइज ग्लव बॉक्स, कार्ड होल्डर आपको मिल जाता है। एंड यहाँ पे एक स्मार्ट टच दिया गया विच इज़ दिस बेज कलर। सो यहाँ पे बेज कलर यूज़ करा गया है सो दैट जो ये ग्लव बॉक्स है काफ़ी एल्यूमिनेटेड रहे। एंड दिस इज रिमोट कंट्रोलर फॉर दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम। सो गाइज ये है Alpine का रिमोट कंट्रोल। सो रियर सीट में बैठे हुए आराम से आप इस कंट्रोलर से म्यूजिक सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। सो Alpine बेसिकली होंडा का वेंडर है जो कि इंफोटेनमेंट सिस्टम सप्लाई करते हैं। एंड देन वी हैव गॉट दिस वैनिटी मिरर, टू फ्रंट में लैंप्स अवेलेबल है विच इज़ वेरी नाइस गाइस, बहुत ही पावरफुल मिलते हैं ये। एंड डे एंड नाइट IRVM, यहाँ पे आपको टॉल सीट होल्डर या फिर वैनिटी मिरर नहीं मिलता। और ये है स्टीयरिंग व्हील के लुक, जब हम कार को ड्राइव करते हैं तो यहाँ पे जो बोनेट है थोड़ा बहुत विजिबल रहेगा अगर आपकी हाइट 5'10" प्लस है। एंड देन विंग मिरर्स काफ़ी बिग साइज के दिए गए हैं। मैन्यूवरेबिलिटी एंड ईज ऑफ ड्राइविंग आपको इस कार में डेफिनेटली मिल जाती है। बहुत ही प्रीमियम स्टीयरिंग व्हील ऑफर करा गया है। यहाँ पे एडजस्टमेंट, सो टेलीस्कोपिक आपको नहीं मिलती, सिर्फ टिल्ट दी गई है। ऑल्सो इट इज़ नॉट लेदर रैप यूनिट, सो बाद में आप लेदर रैप करवा सकते हैं। दीज आर वाइपर कंट्रोल्स, दीज आर हेडलैम्प कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, पैडल शिफ्टर्स आपको यहाँ पे सिर्फ पेट्रोल CVT में मिलते हैं। डीजल CVT में पैडल शिफ्टर्स नहीं दिए गए। ऑल्सो CVT में गाइज यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल भी नहीं मिलते, क्रूज कंट्रोल मैनुअल में अवेलेबल है। सो दीज आर द थिंग्स जो कि मिसिंग है थोड़ी बहुत, बट यहाँ पे जो कंट्रोल्स मिलते हैं दीज आर ऑडियो कंट्रोल्स, ब्लूटूथ कंट्रोल्स एंड वॉइस कमांड कंट्रोल्स। कंट्रोल्स आर एल्यूमिनेटेड इन दिस ट्रिम। और ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सो सेंटर में यहाँ पे गियर पोजिशन इंडिकेटर डिस्प्ले होता है, एग्जैक्ट पोजिशन, स्पोर्ट मोड, ड्राइव मोड, न्यूट्रल, रिवर्स, पार्किंग। एंड यहाँ पे डुअल ट्रिप मीटर के साथ एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू MTB डिस्प्ले होगा, आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले, डिजिटल क्लॉक। एंड कैबिन की जो इल्यूमिनेशन है ओवरऑल आप उसको भी इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं लाइक दिस, फ्यूल गेज एंड टेम्परेचर गेज। अब चेक करते हैं रियर सीट्स, कोई भी डोर ओपन होगा तो जस्ट आपको रिमाइंडर मिल जाएगा कि डोर ओपन है, कौन सा एग्जैक्ट डोर ओपन है उसका रिमाइंडर आपको नहीं मिलता। और ये है रियर डोर। सो स्पीकर, बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट अवेलेबल है। एंड यहाँ पे भी अगेन फैब्रिक फिनिश, पावर विंडो कंट्रोल्स। एंड दीज आर द रियर सीट्स, फिक्स्ड हेडरेस्ट है, इट इज़ नॉट एडजस्टेबल। सेंटर में आर्मरेस्ट विद ट्विन कप होल्डर स्पेस, फ्रंट सीट के बैक पे मैगजीन एंड न्यूज़पेपर पॉकेट, 12 वोल्ट सॉकेट। एंड यहाँ पे ग्रैब हैंडल,
दोनों साइड विदाउट कोट हैंगर, सेंटर में एक हेलोजन लैम्प, और यह है डैशबोर्ड की लुक। इसको क्लोज करते हैं, थिएटर डिमिंग फंक्शन। सो गाइज, टेस्ट ड्राइव जरूर चेक करें अमेज़ के, एंड अदर काफ़ी सारी वीडियोज पोस्टेड है। मेक श्योर टू हैव अ लुक एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन।